जय श्री कृष्ण। हिंदू सनातन धर्म का गोवर्धन पूजन का उत्सव भी बड़ी धूमधाम से समस्त भारतवासी और विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी गोवर्धन इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान कृष्ण के होते हुए उनकी माया से मोहित होकर इंद्र को जब मोह हो जाता है, मूसलाधार वर्षा करके पूरे ब्रज को डुबोने की तैयारी में लगते हैं, क्योंकि ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की सदैव पूजन करते थे। लेकिन इंद्र के मोह ने उन ब्रजवासियों को कष्ट देने हेतु, अर्थात मात्र अपनी पूजा कराने के लोभ में उन्होंने गोवर्धन पूजन को विसर्जन करने की भावना ब्रजवासियों के मन में बनाने हेतु, जैसे गोवर्धन के पर्वत की पूजा को बंद कराने का भाव लेकर इंद्र ने जब प्रकोप किया, मूसलाधार बारिश हुई, तब भगवान कृष्ण के भावनाओं में चलते चलते भगवान कृष्ण से अनुरोध किया, तो भगवान कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली में उठाया, सारे ग्वाल बालों के सहित पूरे ब्रज को एक ही गोवर्धन पर्वत के नीचे, और धीरे धीरे उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों से दूर किया और गोवर्धन पर्वत के नीचे ब्रज को बचाया। तब इंद्र का मोह समाप्त हुआ। हम उन्हीं के उपलक्ष्य में आज गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा में माँ गऊ की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गऊ माता और बछड़े भगवान कृष्ण को परम प्रिय है, इसलिए उनको गोपाल कहा जाता है। हमें गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व हमारे जीवन में जानते हुए, मानते हुए उनका सम्मान करें और सायंकाल के समय गोवर्धन पूजन करें, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, जैसे ब्रजवासियों को उन कष्ट से मुक्ति दिलाकर अपनी भक्ति का प्रकाश दिया, जीवन को विकास दिया, हम पर भी ऐसी वो कृपा करें। ऐसी भावना के साथ में ही हम समस्त भारतवासियों को, हम सभी को इस चैनल के माध्यम से हम सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं वो सभी भक्तों पर इसी प्रकार कृपा बनी रहे और गोवर्धन पूजा हमारे जीवन का अंग बने और हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। उन्हें सभी को बहुत बहुत गोवर्धन की बधाई। जय श्री कृष्ण।